हाय गाइस, मैं हूँ शोभित। मैंने आप लोगों को बोला था यार कि हम लोग आगे आने वाले टाइम में कैप्टन सिंस के साथ ज़रूर मिलेंगे घर पे जा कर के। तो ये व्लॉग आप ये समझ लो कि आज हम सिंस से मिलने ही जा रहे हैं, उनका घर विजिट करेंगे एक बार। घर उन्होंने इनवाइट किया और वहाँ पे हम लोग चल के कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन जो मैंने लास्ट टाइम बोले थे, जो मैं वहाँ पूछ नहीं पाया था, वह इसलिए पूछ नहीं पाया था यार क्योंकि वहाँ पे शूट नहीं करने दे रहे थे, बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था वहाँ पे। तो क्वेश्चंस काफ़ी सारे थे, तो आज हम लोग वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी पूछेंगे और उनका लाइफस्टाइल भी देखेंगे कि कहाँ रहते हैं, घर कैसा है, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, इसके लिए मैं ये वाला वीडियो शूट कर रहा हूँ यार। गाइस, हम फिर से तरुण सर के पास आ गए और एक बार फिर से हम लोग वो जो पुराने क्वेश्चन हमारे रह गए थे ना, उन पे हम डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको शिप ज़्यादा अच्छा लगता है या घर पे बैठना ज़्यादा अच्छा लगता है? घर पे बैठने के लिए शिप पे काम करना जरूरी है, तो ज़रूरी है। इट्स अ विशियस सर्कल। आप एक से निकलने के लिए दूसरे में चले जाते हैं। एग्जैक्टली। बट अगर मैं आपको ऐसे पूछूं कि सपोज आपको सैलरी मिल रही है, आपको काम यहाँ पे भी मिल सकता है और आपको शिप पे भी शिप जाकर के आपको जो सैलरी मिल रही है वो यहाँ पे 12 महीने काम करने के बाद आपको मिल सकती है, सो आप क्या प्रेफर करोगे? शिप पे जाना प्रेफर करोगे या यहाँ पे रहना प्रेफर करोगे? अगर मैं इसका झूठा आंसर दूं तो मैं ये कहूंगा कि मैं यहाँ रहना पसंद करूंगा, हाँ विच इज व्हाट आई वांट, ओके। बट इट इज नॉट समथिंग विच आई विल सर्वाइव विद। द ओके। बेस्ट पार्ट ऑफ वर्किंग ऑन अ शिप ट्रूली, आई मीन लाइक एज मच एज यू कर्स, इवन आई कर्स व्हेन आई गो ऑन बोर्ड, आई कर्स माई सेल्फ फॉर मेकिंग दिस कॉल ऑफ बींग अ पार्ट ऑफ मर्चेंट नेवी एज अ प्रोफेशन, बट द फैक्ट जब आप 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना मेहनत कर लेते हो, देर इज नो अदर प्रोफेशन इन अ वर्ल्ड विच गिव्स यू अनकंडीशनल लीव। ओके। 3 महीना रह लो, 4 महीना रह लो, जिसका जितना मन है उतना रह लो। एंड आई ऑलवेज से द लाइफ ऑफ अ सी फेयरर इज वेरी सिंपल, इट्स ईदर ऑल संडेज और ऑल मंडेज। वंस यू आर ऑन बोर्ड एवरीथिंग इज अ मंडे, एवरी डे इज अ मंडे, एंड वंस यू साइन ऑफ फ्रॉम द वेसल एवरी डे इज अ संडे। फिर जो मन कर रहा है वो कर सकते हैं। हाँ सर, इट्स अ वेरी टफ कॉल। इवन पीपल हु शिफ्ट अशोर एट टाइम्स 50-60% ऑफ देम दे फ्लिप एंड दे गो बैक ऑन बोर्ड, बिकॉज जब आप श्योर जॉब में भी काम कर रहे हो सो यू आर इन अ वेरी कमिटेड रूटीन, एंड द नंबर ऑफ आवर्स विच यू गेट फॉर योर रिक्रिएशन विच यू थिंक इन योर माइंड विल बी एनफ विल नॉट बी एनफ, बिकॉज जब तक आप घर पे आते हो शाम हो जाती है, एंड यू वर्क 6 डेज इन अ वीक, 5 डेज इन अ वीक, वेर एज इन यू हैव बीन ब्रॉट अप विद अ लाइफस्टाइल वेर यू हैव अनकंडीशनल वेकेशन ऑफ 4 to 5 months। एग्जैक्टली। सो दैट्स अ ठीक है, मतलब ये है कि वहां पे जाना पसंद है आपको, वहां पे काम करना, एंड देन फिर एक साथ संडे हो जाए और फिर एक साथ मंडे, हाँ बल्क में मिल जाए, मतलब ठीक है एक बार वहां चले गए, सेटल हो गए तो आप मोशन में आ जाते हो, मोमेंटम गेन कर लेते हो, फिर उस मोमेंटम को ब्रेक करने में जब आप यहाँ से जाते हो इसलिए ज्यादा बुरा लगता है। अच्छा, शिप पे आपको क्या प्रॉब्लम आज भी लगता है कि ये प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो मुझे शिप पे फेस करनी पड़ती है? क्या आपको कैसा, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करनी पड़ती है अभी भी? आई थिंक सिक्लूजन। ओके। और वो सिक्लूजन को मैं, इट्स डिफिकल्ट टू क्वान्टिफाइड एंड यू नो उसको शब्दों में समझाना मुश्किल है। इट्स समथिंग विच यू फील वेन यू फील दैट यू नो you are moving away from the world, okay, and the world is going to continue its in its own pace, और आप एक zone में freeze हो जाते हो, और उस zone से आप तब निकलते हो जब आपका sign off हो जाता है, तब पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे अच्छा ये भी हो गया। काफी चीजें छोटी छोटी ऐसी होती है, कोई अच्छी मूवी आ गई मिस हो गई, अभी कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है, बट एज ह्यूमन बींग्स हमको आदत है सिंक में रहने की, साथ में चलने की, और वो धीरे धीरे लैप्स होने लगता है। दूसरा चीज, हालांकि कम्युनिकेशन है गॉन 10-fold बेटर देन वॉट इट यूज टू बी, बट अभी 2 GB डेटा पर डे इंटरनेट 190 रुपीज में एयरटेल, या मैं ऐसा प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पर कोई भी डेटा पैक उसको देता है आपको, आपको शिप में महीने का 2 GB मिलता है, तो 2 GB में आप क्या क्या करोगे, इंस्टा चलाओगे, वीडियो देखोगे, तो अभी भी वो सिक्लूजन है। तो कम्युनिकेशन इज अ बैरियर, सिक्लूजन इज अ बैरियर, एंड समहाउ वी आर ट्यून्ड इन अ वे दैट मोस्ट मेजोरिटी ऑफ द सोसाइटी वो शाम को घर वापस आती है, तो आपको चाहिए कि वो शाम को, व्हेन यू आर वर्किंग अश्योर एज अ शिप, यू आर नॉट वर्किंग अश्योर फॉर योर ओन सेल्फ, यू आर वर्किंग अश्योर फॉर योर फैमिली, बिकॉज एल्स अदरवाइज यू आर मेकिंग मच मोर मनी एज
सेलिंग मास्टर, बट इट इज फॉर योर फैमिली दैट यू आर वर्किंग हियर, बिकॉज जो श्योर जॉब है वो परहैप्स इक्वली या मोर डिमांडिंग है, बट एटलीस्ट योर फैमिली इज एबल टू सी यू, यू विल स्टिल नॉट बी एबल टू सी देम. एक सिंक भी तो मिल रहा है आपको, एक सिंक मिल रहा है, आप शाम को आते हो, आप अपनी फैमिली को देखते हो. शिप में आप एक अपने खाली कमरे में वापस जाते हो, उसका अपना एक चार्म है, एक उस ब्रेक का भी एक चार्म है. व्हेन यू कम बैक टू योर फैमिली, यू नो योर फैमिली इज लाइक यू नो लुकिंग फॉरवर्ड. एक बैलेंस जरूरी है. अगर आप ज्यादा सेल करोगे, पीपल विल गेट यूज टू ऑफ नॉट हैविंग यू अराउंड, सो यू नीड टू बी यू नो इट हैज टू बी राइट प्रोपोर्शंस. कांटेक्ट चला जाएगा कहीं ना कहीं, कांटेक्ट चला जाएगा, आप भी उसके बिना रेडी हो जाओगे काम करने के लिए. एंड यू विल हैव टारगेट्स व्हिच यू वुड लाइक टू मीट विद प्रोग्रेस ओरिएंटेड. टारगेट, पैसे का टारगेट, आपका क्या, आपको इन्वेस्टमेंट करना, उसके टारगेट्स आपके बन जाएंगे. हाँ, जनरली मैं ऐसे सुनता हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं कि अगर आपको सेलिंग करने का मन नहीं कर रहा है तो कोई एक नई चीज खरीद लो जिसकी EMIs आ जाएंगी, तो आपके ऊपर अपने आप वो टारगेट बन जाएगा. ऐसा सुनील ने मुझे बोला था. हमारे यहाँ एक कहावत है कि आपको अगर आपको सेलिंग करने का मन नहीं कर रहा है तो आपको एक ऐसी चीज खरीद लो जिसकी EMI आपके ऊपर आ जाए, फिर अपने आप मोटिवेशन आना शुरू हो जाता है. मोटिवेशन इसलिए क्योंकि शिपीज एज सच वी आर नॉट फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, मनी वाइज वी आर नॉट वेरी वाइज. यस यस यस. एंड वी डोंट इन्वेस्ट आवर मनी वेरी वाइजली, दो द प्रेजेंट जनरेशन, दिस लॉट ऑफ जनरेशन, व्हाट आई लर्न फ्रॉम देम, व्हाट आई हियर फ्रॉम देम, दे आर वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट हाउ दे आर गोइंग टू हैंडल देयर मनी. दे आर नॉट फ्रॉम माय जनरेशन जिनका पहला काम अच्छा महंगा चश्मा, दूसरा कार और तीसरा मकान है. अभी दे आर लुकिंग इनटू वेंचर्स वेयर द मनी कैन मूव फास्टर देन देम. तो ये एक्चुअली अभी आजकल ये मनी मैनेजमेंट मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा आया है, तो पब्लिक उसके ऊपर फोकस भी कर रही है, मनी मेकिंग, मनी वाला कांसेप्ट जो चल रहा है. मुझे ऐसा लगता है कि कंपनीज को अपने शॉर्ट कोर्सेज में हफ्ते भर का, 10 दिन का, ये इंक्लूड करना चाहिए, करना चाहिए मनी मैनेजमेंट, सो दैट दैट पुअर सीफेयरर, सी बिकॉज देयर इज नो पेंशन इन आवर बिजनेस, एंड इन केस फॉर हेवन फॉरबिड इफ आई बिकम अनफिट मेडिकली, then whatever money I have made is whatever money I will be left with. Yes, yes, yes. So एक management की situational awareness आपको खुद से भी होनी चाहिए. वो तो मुझे लगता है education system में ही होनी चाहिए, अपने 10th class से पहले पहले हाँ कर देनी चाहिए. मतलब एक बच्चे को पता होना चाहिए कि उसका जो 2000 रुपए का नोट है उससे वो क्या क्या कर सकता है, what all it can avail. Not readily, but in you know longer prospects as well. Exactly. अच्छा अभी right now अगर मैं आपको ये बोलूंगा कि मर्चेंट नेवी में कंपटीशन जो चल रहा है, जैसे जितना रिक्रूटमेंट हो रहा है, कभी कभी मैं ऐसे सोचता हूँ कि इतना सारा रिक्रूटमेंट हो जाता है, और कई बार मुझे बच्चे भी पूछते हैं, वैसे मेरा मुझे थोड़ा बहुत आइडिया, बट आई एम नॉट श्योर कि वो करेक्ट है या नहीं. सपोज करो कि बहुत सारी कंपनीज है, यू आर वर्किंग इन एंग्लो, कोई ग्रेट ईस्टर्न में है, तोलानी में भी बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं, ये सब लोग बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ले रहे हैं, फिर ये सारे एस्पिरेंट्स अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद थर्ड मेट बनेंगे. करेक्ट, जूनियर थर्ड मेट बनेंगे, जूनियर थर्ड मेट बनेंगे, एंड फिर इनका प्रमोशन होगा. क्या इतने लोगों की एक्चुअली आज के टाइम पे जरूरत है, या जस्ट फ्लडिंग चल रही है यहाँ पे भी? आई थिंक द ट्रूथ इज मार्केट इज ऑलरेडी फ्लडेड विद जूनियर ऑफिसर्स, जूनियर इंजीनियर्स, पीपल आर विलिंग टू सेल फॉर फ्री. एंड सी आई एम नॉट ट्राइंग टू पिक साइड्स हियर, but it hurts when you see people sailing with certificate of competency in their hands and not finding jobs, because usi competency coc ko lekar aaj main wahan hu jahan main hu. Theek hai, I'm not doing anything different, there are thousands like me, you know. But bura lagta hai ki usi coc ko lekar ladke ek office se dusre office mein ja rahe hain, they are willing to sail for free, they are willing to go back as cadets. So unko ek opening mil jaye, और इस चीज को फैसिलिटेट करने के लिए अगर इंडस्ट्री कुछ नहीं कर रही है तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए. करा है ऑलरेडी, दे हैव ऑलरेडी बैंड ऑल द इंस्टीट्यूट्स हु कैन नॉट फैसिलिटेट पीपल विदाउट स्पॉन्सरशिप. एग्जैक्टली, बट इट इज स्टिल बीइंग फैसिलिटेटेड वन वे और द अदर. देयर नीड टू बी मोर चेक्स एंड बैलेंसेस, एंड द फाइनल ओनर्स ऑफ सिक्योरिंग अ प्रोफेशन ऑल्सो लाइज, द ओनरशिप लाइज विद द कैंडिडेट हिमसेल्फ. जब एक कैंडिडेट एक कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहा है, जब आप एक IIT को क्वालिफाई कर लेते हो, आप कोई भी IIT में नहीं चले जाता, आप कहते हैं मैं खड़गपुर में जाऊंगा क्योंकि मुझे ये पर्टिकुलर ब्रांच करना है जो वहां का ही अच्छा है. Exactly. आप एक शिपिंग कंपनी को जब आप सिलेक्ट होते हैं और उनको इंटरेस्ट आ जाता है, आपने कहा ये लड़का बहुत अच्छा है, तो आप क्यों नहीं उनको चैलेंज करते, क्यों नहीं उनको पूछते मेरे को आप किस रैंक पे भेजोगे, कितना टाइम का मेरा वेटिंग है. ये क्वेश्चन रादर देन आस्किंग ऑन सोशल मीडिया, रादर देन आस्किंग फ्रॉम मी, व्हाई डोंट यू पिच दिस क्वेश्चन टू द कंपनी, गेट योरसेल्फ अ स्पाइन एंड आस्क देम दिस कंपनी, सर व्हाट अबाउट माय करियर प्रोग्रेशन, where will I be 5 years from now, like they will ask you. You give them the chance for a fair evaluation. Once they have evaluated you,
यू सी वेदर दे आर अ मैच फॉर यू आर नॉट. एग्जैक्टली. चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे कंपेनियनशिप हो, चाहे फ्रेंडशिप, आप इवेल्यूएट करके करते हो ना. एग्जैक्टली. तो दोनों का मैच होना चाहिए. एंड इंटरव्यू तो होता ही वही है जहां पे हम व्यूज इंटरचेंज कर रहे होते हैं. वंस दे हैव रिक्रूटेड यू, यू आस्क देम सो वेयर डू यू सी मी 5 years फ्रॉम नाउ, एंड आई थिंक यू आर एम्प्लॉइंग मी एज अ जूनियर थर्ड ऑफिसर, वेयर इज द अदर कंपनी इज टेकिंग मी एज अ थर्ड ऑफिसर, व्हाट विल बी माय वेजेस, व्हाट विल बी माय प्रपोज्ड वेजेस एज अ सेकंड मेट, हाउ क्विक विल बी द प्रमोशंस, हाउ मच इज द वेटिंग टाइम, नो सर आई एम नॉट हैप्पी विद द प्रोस्पेक्ट्स, परहैप्स आई वुड लाइक टू ट्राई समवेयर एल्स. बट लड़कों का क्या है कि वो सर घुस जाए, वो बाइक वाला हिसाब है, वो ट्रैफिक में से निकलना है तो बस वो कैसे भी करके, उनको लगता है एक बार घुस गए, वो घुसे नहीं है, वो फंस गए. तो वंस यू गेट इनटू इट और एनी प्रोफेशन, वंस यू स्टार्ट गेनिंग मोमेंटम, इट्स डिफिकल्ट टू ब्रेक दैट मोमेंटम. तो ये सब क्वेश्चंस अगर आप पहले से करके जाओगे एंड यू चेक द नंबर्स कि क्या मेरी कॉम्पिटेंसी पे जो सैलरी मेरे को मिलेगा, जो बेल आउट मेरे को मिलेगा, कैन आई नॉट मेक द सेम अमाउंट ऑफ मनी इफ आई एम यू नो परहैप्स इन सम डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोफेशन. और लाइक आई सेड, शिपिंग भी लेयर्ड है. दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग द स्टूडेंट्स एक्चुअली, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग कि अभी यहां पे रहे. कई बार मुझे बच्चे बोलते सर वो जीपी रेटिंग में जाना है मुझे. मैं बोलता हूँ तो जीपी रेटिंग में जाएगा, इतनी सारी फीस देगा, उतनी फीस में तो यहाँ पे कोई कोर्स कर सकता है, डिजिटल मार्केटिंग कर ले और उतना तो अपने आप अर्न कर लेगा अगर तो फ्रीलांसिंग करेगा तो भी. बट पता नहीं क्यों, मतलब अपने देश में ये कंडीशन है कि बच्चों के दिमाग में एक चीज़ ऐसे घुसती है ना, वो फिर अंधभक्तों की तरह उसको फॉलो करते हैं कि हाँ सब जा रहे हैं, मुझे भी जाना, मुझे भी जाना, मुझे भी जाना, समथिंग लाइक दैट. आजकल वो एक सीरियल का डायलॉग चल रहा है ना, इंडिया में दो चीज बनानी आसान है, एक तो हीरो और दूसरा यू नो भगवान. तो हम लोग बहुत जल्दी जो ना, एंड दिस हैपेंस टू बी द पार्ट ऑफ आवर कल्चर यू नो, बट दैट वी टेंड टू पुट समथिंग ऑन अ पेडेस्टल वेरी क्विकली. सर एक्चुअली मेरा इंटरव्यू लेने का रीजन पता है क्या है, बहुत सारे लोग आप लोगों को भी भगवान ही बना रहे हैं. हाँ. मतलब आपका लाइफस्टाइल देखते हैं. हाँ. सुनील का लाइफस्टाइल देखते हैं, सुनेहा का देखते हैं, सो दे यार अच्छा अच्छा उनके पास BMW है. हाँ. अच्छा अच्छा उनके पास वाली बाइक है, उनका इतना बड़ा घर है, सो हमें भी वो मिलेगा. नहीं, सुनील को देखकर तो मैं भी मानता हूँ कि वैसा हो जाए.